और अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। और ये जो दिख रहे हैं आप, ये पुल, ये वही पुल है जो कि बरसात में टूटा था। ये पुल तो नहीं बना, लेकिन इस पुल के बगल से एक रास्ता बना हुआ है, ये वाला रास्ता। तो अब हमें इसे जाना है नदी पार करते हुए। क्या करें, अब आज से नहीं भी तो 15 साल पहले वाली बात हो गई, जब हम ट्यूशन पढ़ने के लिए नदी से आया करते थे। तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा रास्ता नदी का, कोटद्वार का डेवलपमेंट। चलो, सो पुल तो पूरा टूटा हुआ है, लेकिन पुल तो बना नहीं पाए, तो लोगों ने अभी यहाँ पे एक रास्ता बनाया है ताकि उधर के रास्ते ना जाना पड़े, बीएल वाले रास्ते में। तो चलो दिखाता हूँ आपको, मेरे को लग रहा है ये मुश्किल ही बनेगा। तो ये रास्ता कुछ इस तरीके का, मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट करवा दूं। अगर आप लोग भाबर से आ रहे हैं, मतलब झंडी चौड़ किशनपुर से आ रहे हैं, तो आप सीधे बीएल वाले रास्ते पे ना जाते हुए इधर से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता बन गया है। ये देखो जी, ऐसा कुछ रास्ता ठीक है अभी तक। तो अभी थोड़ा रात में थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन हमने सोचा चलो जब आ रहे हैं तो इस वाले रास्ते भी आ जाएं, आप लोगों को दिखा दें नदी से निकल रहा ये रास्ता। थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा मान ली भी, शायद गाड़ी आ रही है, हाँ साइकिल आ रही है टॉर्च लगा के। तो अभी तक तो अच्छा रास्ता है, क्योंकि बरसात है नहीं, तो उन्होंने बोला होगा कि चलो इधर से रास्ता बना लें फिलहाल के लिए। अंदर से बात करें तो ये है पुल, पुल दिखाता हूँ आपको। अबे यार मेरा वो ख़राब होगा ना, मैं दिखाता। ये देखिए आप मेरे सामने दिख रहा, नहीं दिख रहा है, अभी थोड़ा आगे से चल के दिखाता आपको जहाँ पे पुल टूटा हुआ। इधर लाइट मोड़ दो, ये देखो पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा आपको। ये देखिए ये पुल, ये पुल टूटा हुआ है। ये अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है भाई, कुछ भी नहीं, और सर्दियाँ आ गई हैं, गाड़ी बंद होते हैं। तो ये है रास्ता, ये क्षतिग्रस्त पुल, क्षतिग्रस्त पुल तो नहीं बना पाए, लेकिन हिंदी बना चुके हम अपनी। तो अभी थोड़ा सही है, वो वाला रास्ता थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा बुरा है, ये फिर भी सही है। नहीं है भैया, जानवर को डर है, जानवर तो यार कहाँ नहीं, फिर भी रास्ता होगा ना, एक तो छोटा है। नदी से हमने पार कर लिया, तो यहाँ से गाड़ी आ रही है, आगे से लाइट चमक रही। अब आ गया हाईवे नंबर 4, ये रास्ता यहाँ से कटा, फिलहाल के लिए बना रखा है, तो काफ़ी सही है। मेरे को भी किसी ने बताया कि वो रास्ता खुल गया, उधर से चले जाते हैं, मैंने कहा ठीक है आगे सीधा, किधर से भी चल लो, किधर भी जा सकते हो रास्ते। तो हम तुम कमेंट भी करते रहो बस। तो बस इतना सही था, थोड़ा सा ऑफ रोड, और मेरे राइट में ये पुल जो सिर्फ नाम का रह चुका है, काम का नहीं। तो यही था रास्ता बस। उम्मीद करूँगा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, शिवपली बाबा की कृपा रही तो ये वीडियो मिलियन पहुंचेगा, नहीं तो 200 व्यू तो आ ही जाएंगे। तो मिलते हैं आपको किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।